वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद रफी शाहीन नगर से बोल रहा हूँ। जी रफी साहब, शाहीन नगर। शायद भाई। जी रफी साहब बोलिए। अभी आप जो है रोडी शीटरों से बहुत अच्छी चीज बताए। ये ऑलरेडी समान चैनल्स में आ गया है, अनकट प्रोग्राम में बताना चाह रहे थे, बता दिए। कल हम फोर टीवी पे भी ये न्यूज दिखे, हमारे हम तेलंगाना की पुलिस को मुबारकबाद दे रहे हैं। जी इसलिए नहीं कि वो रोडी शीटरों को गिरफ्तार करे, बल्कि इसलिए कि वो रोडी शीटरों को अच्छे रास्ते तालीम और तरबियत दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही, टास्क फोर्स डीसीपी लिम्बा रेड्डी साहब क्लियरली कह रहे हैं कि सोसाइटी में अच्छी तरह से रहिए, रोडी शीट भी क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह ताला। हम हमारी तरफ से आपके चैनल के पुलिस कमिश्नर साहब को भी मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जरूर आपकी मुबारकबाद पहुँच जाएगी। मुबारकबाद का सेहरा जी के सरकार आए सर। चलिए रवि साहब कर रहे हैं जी, मुझे महसूस हो रहा है कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट का बुनियादी इलाज कर रहा। अरे नहीं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पेशावर प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ रवि साहब। आपके चैनल के जाने से तमाम तेलंगाना की पुलिस को साहब को और बैरिस्टर आपको भी मुबारकबाद। जी असद साहब को क्यों, उसका लिंक बता दीजिए। बिल्कुल साहब बिल्कुल, बहुत बड़े वो। नहीं नहीं मुबारकबाद किस उन्हें किस, हमने जो उन्वान बताया उस लिए देना चाह रहे हैं या ऐसी मुबारकबाद देना चाह रहे हैं आप? उन्वान के ऊपर देना चाह रहा हूँ। जी बोलिए। चलिए मुबारक। बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही है रफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। असद साहब को भी मुबारकबाद, रफी साहब शाहीन नगर की जानिब से हमारे चैनल के जरिए, पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी साहब को, टास्क फोर्स डीसीपी लिम्बा रेड्डी साहब को भी मुबारकबाद पेश की जाती। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, शायद मैं मुजाहिद बोल रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद। जी मुजाहिद साहब बहुत दिन बाद। कितनी देर, आज बहुत बहुत ज्यादा फैन हो गए हैं, लाइन कब से बहुत ज्यादा थी। अल्लाह अकबर, फैन नहीं बस, फैन मत कहिए कि हक के साथ ही कहिए। बहुत ज्यादा खुशी हो गई, कहीं को मतलब यूट्यूब पे भी देख रहा था आपके वीडियोस कंटिन्यूसली आ रहे थे, तो मैं वहाँ पर चेक कर ले रहा था। अच्छा टाइम मिल गया तो कॉल कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। और वगैरह कहती है सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी मुजाहिद साहब बस। और साहब ये अपना तो हमारे नाम तो भूल गया, इनका कुछ यादव जो थे। जी ये तेज यादव बीएसएफ के जवान बोल रहे हैं। तो इसका बोल मतलब ये था कि अपने कंट्री में जो है अपने जो सर्विसमैन है वो लोग ही सेफ नहीं, की इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, उनकी फैमिली के जो उनकी अहलिया है और उनके जो कजन है इतने ज्यादा टेंस में लग रहे थे। जी हाँ टेंस में लग रहे थे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अपना दूसरी बात ये है कि डिमोनिटाइजेशन जब से हुआ है जी, बाद में जितना ब्लैक मनी सीज करे का हुआ क्या? नहीं देखिए आप, मैं इसके लिए आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। हाँ हाँ नहीं इसके लिए एक रेफरेंस मैं देता हूँ। ये तमाम डाउट्स का खुलासा शायद कल अगर आप नेशनल चैनल्स देखे हो तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छे अंदाज में किया है। कल राहुल गांधी को बोले तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग जो लोग जिसका डिमोनिटाइजेशन की वजह से जिसके जॉब्स गए उन लोगों को गवर्नमेंट क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा
वैलिड सवाल है मुजाहिद साहब आपका, मैं इसलिए कह रहा हूँ यू प्लीज गो थ्रू राहुल गांधी स्पीच ऑफ यस्टरडे। राहुल गांधी कल अपने पार्टी के कारकुनों से एड्रेस कर रहे थे नई दिल्ली में, बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मैं समझता हूँ कल की उनकी स्पीच शायद हो सकता है सभी लोगों को पसंद आई होगी, इतने अच्छे अंदाज में खुलासा किया है डीमोनेटाइजेशन पर। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम। ये अवेसी स्कूल का बोले आप किधर है बता सकते? अवेसी स्कूल का एड्रेस तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर मोहल्ले में हो सकता है क्योंकि अकबर साहब ने जी पल्ली दारुसलाम में शायद है जी हाँ, मैं मुझे जी हाँ जी हाँ है, इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम मुझे उतना क्लियरली आइडिया नहीं है किस किस मुकामात पे, लेकिन मुझे अंदाजा है कि तकरीबन हर मोहल्लों में अकबर साहब ने अवेसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के ब्रांचेस खोल रखे हैं। हेलो, आपको अगर मालूमात करना है तो आप दारुसलाम के फोन नंबर पर मालूम कर लीजिए या जाके मालूम कर लीजिए, आपको पूरे एड्रेसेस मिल जाएंगे। हेलो, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल अली खान साहब कैसे हैं? जी अभी जो मोहतरमा कॉल करके अवेसी साहब जी आप पूछे हैं जी, एक पुल हाफिज बाबा नगर में है हाँ, नामपल्ली एरिया में शायद वो रहते हैं, वो पूछ रहे थे नामपल्ली में कहाँ है, और जो है यहाँ रक्षापुरम में है जी, और जो है नगर की तरफ भी कहीं है एक जी हाँ जी, एक टोली चौकी हकीमपेट में भी कहीं है याद है मुझे, जो है अपन कंप्यूटर टॉपिक जी कि अमेज़न का जो बताए साहब आप बिल्कुल बताए साहब का जी, तो उनसे माफी क्यों मांगो वाली कंपनी को, क्यों उसके खिलाफ केस बुक नहीं, पहले माफी तलब कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी, जुर्म करे बैन, एक्चुअली इंडिया में बैन लगा देना चाहिए इस कंपनी पे, बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, क्यों तो हमारा नेशनल फ्लैग है, मुझे सलाम कर दो रोजाना, हमारी शान है उसके लिए जान भी देते हैं बिल्कुल, और दूसरी बात हमारे बैरिस्टर ओवैसी साहब जो बोले हैं हाँ, उनकी भरपूर मैं भी कर चुका हूँ साहब, और साथ ही साथ एक बात और बता दूं मैं आपको जी, फतेह मक्का के बाद सल्लम और साहबा मक्के शरीफ में दाखिल हो रहे थे, मुझे मक्का जो है बेहतरीन खूबसूरत औरतों को बढ़ाना हालत में लाइन से खड़ा कर दिए थे जी, आपने साहबा को फरमाया नजर नीचे रखो और आगे बढ़ जाओ, वाह सुभान अल्लाह, उधर ही देखिए सुभान अल्लाह, इसका जवाब जो है हमारे बैरिस्टर साहब के माइंड सेट बिल्कुल, एक बात और उसके बाद हमारे जो आप वहाँ का जो घरों का बताए बच्ची की शादी का महाराष्ट्र जी, मनोहर साहब जी हाँ, मनोज साहब की बेटी पर मुबारकबाद देते हैं अपने दिल से, अल्लाह उसकी जिंदगी जो है खुशियाँ लाए और ऐसी तौफीक अल्लाह ताला सारे हिंदुस्तानियों को दे, आमीन आमीन, बहुत बहुत थैंक यू इकबाल अली खान साहब, बहुत अच्छे राय दिए हैं आपने, बहुत ही अच्छा एक वाकया सुनाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का माइंड सेट, इसे ही कहा जाता है, नजरें नीचे रखिए चलिए। हेलो वालेकुम सलाम, चंदानगर से आपके काम पूरे हो गए कहते ताहिर साहब, आप मिठाई भी नहीं खिला रहे, मुबारकबाद भी नहीं दे रहे, बस अल्लाह का करम है आपकी दुआ है, अब चैनल ला लेना आपकी जिम्मेदारी है, नहीं ऑपरेटर को पकड़िए चैनल दो बोलिए, नहीं तो पैसे नहीं देता हूँ बोलिए, अच्छा जरूर चंदा नगर में ताहिर साहब का डिमांड, चैनल के लिए हम जरूर रेफर करेंगे। हेलो हेलो वालेकुम सलाम, जी बोलिए बाप, तो कल जो है फोन कॉल लगी हुई मिलता था अपना, अच्छा आज बात हो गई, थोड़ी थी कल जो अबू आसिम साहब के जो कमेंट थे उसके ऊपर, मैं उनके साइड में बोल रहा हूँ जी,
سے پہلے بھی کچھ میں سیاست سے تو ایسے وہ کیا تھا اشعار کے ذریعے, تو سر اس میں جو ہے اسی بھی چیز بیان کرتے سکتے. اور ہوتا کیا ہے اصل میں تین چیز رہے, زن زمین زر. بالکل. تو یہاں پر جو ہے میں چند اشعار اسی موضوع حالات سے اشعاروں میں میرے ہمارے ناظرین کو, اور کسی پہ میرا تچینی کرنا نہیں ہے, یہ عام. جی بالکل بولیے, کوئی بات نہیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, آپ کی ریکویسٹ ہے ضرور. جام بے چین ہے محفل میں چھلکنے کے لیے, حسن بے تاب ہے چلمن سے نکلنے کے لیے, پہلے دست چھپاتی تھی جو بدن, آج دستی ہے فقط جسم چھپانے کے لیے. دس برس عمر میں انداز جوانی دیکھو, جیسے بے چین ہو کلی پھول بننے کے لیے, دوپٹے ان کو سر پہ بھاری لگتا ہے, ڈال رکھا ہے گلے پھانسی لگانے کے لیے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے تھے, آج تالاب ہے کم ڈوب مرنے کے لیے. مرد دیکھے بھی تو کہاں تک دیکھے, اب تو باقی ہی بچا کیا ہے دکھانے کے لیے. بند ہوں گے کارخانے, ہوگا نہ کپڑا باقی, ہوں گے نظارے ہر سو دیکھنے والوں کے لیے. ایسے بنتے ہیں رشتے آسمانوں میں, رشتے بنتے تھے کبھی ساتھ نبھانے کے لیے. اب آخری مقصد, تم کیوں رشتوں کی بات کرتے ہو قیصر, اب رشتے ہیں سفر, اب رشتے ہیں صرف بھوت کے لیے. شاید صاحب جی جی, یہ ایسا وقت تھا جی کہ جو ہے دیکھنے والا منڈی پھیر کے چلے آنا, پر یہ عورتیں جو ہے کوئی اگر ان کو ٹوکے یا ان کے عزت آبرو کی جو ہے ہمارے اسلام پیش کیا, یہ گیرا ہے نگینا ہے, یہ نگینے کی حفاظت جتنی کریں گے بس آپ پر ہر چیز رہیں گے. یہ لوگ اس کو آزادی کے نام پہ جو ہے عورت کو جو ننگا کر رہے, تو اس کے میں یہ سب چیزیں لیا ہوں. ناظرین بہت خوب پسند آ گیا, بہت خوب اپنی رائے سے ضرور. بہت بہت شکریہ قیصر صاحب, بہت خوب اشعار آپ کے, آپ بہت خوب اشعار آپ کے اپنے پرسنل اشعار بہت ہی اچھے موقع پر بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے پیش کیے ہیں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. جی اللہ کا کرم ہے. جی جی آپ کے پروگرام پسند آئے, ہمارے بچوں کو, ہم کو کہ بچوں کا آپ بتا رہے نا کلمے پر سورے پڑھ رہے تو گلا کر گا, اتنے انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہمارے نواسیاں. اور شاہد بھائی کا کب آتا بول کے انتظار کر لیتے. ارے واہ, الحمد للہ الحمد للہ اللہ کا شکر. اللہ کا ہماری بچی نے کل بات کری تھی. جی ہاں جی, بات کر رہے کیوں تو وہی جا کے. بہت بہت شکریہ شاہد بھائی, بہت بہت شکریہ. ناراض کیوں ہے, وہ بچی لڑکی کی پیدائش پر کچھ بتا رہی تھی, لیکن اس میں میں پھر ایک بار کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, لڑکی بیٹی روٹی ہوتی ہے, گھر کی رونق ہوتی ہے. اگر لڑکی کی پیدائش پر ہی تو وہ لوگ یہ سوچ لے کہ وہ بھی کسی عورت سے ہی پیدا ہوئے ہیں, وہ بھی کسی لڑکی سے ہی پیدا ہوئے. ہلو وعلیکم السلام بھائی, سر یوسف کلیم بول رہا ہوں. یوسف کلیم صاحب نام پلی ٹولی چوکی نندی مہن. جی جی بولیے یوسف کلیم صاحب. سر ایک چھوٹا سا سوال تھا, جو آر بی آئی حیدرآباد سے جو بند کی ہے کافی سیکریفائز ہو رہے ہیں سر. آر بی آئی کیا بند کی رہی, جو کرنسی جو ایکسچینج کرنے کے لیے لوگ مارچ یا جون تک کا جو ٹائم دیے تھے کہ بھائی جو رائٹس آئیں گے ان کے لیے جو 25,000 روپے جو بھی ہے وہ آپ سے جو پرانی کرنسی ہے بول کے چل رہا ہے نا وہ تو. نہیں سر بند ہے وہ, کیونکہ وہ بنگلور دلی
है और चेन्नई में जो सो चल रहा है, हैदराबाद का आरबीआई जो सो लोग क्लोज करे हुए पांच छह। अच्छा मुझे आइडिया नहीं है, आपने अच्छा किया मुझे याद दिलाया, मैं मालूम करूंगा। मुझे जहां तक इत्तला थी आरबीआई एक्सेप्ट कर रही है, दूसरे शहर आप बता रहे हैं हैदराबाद का, मैं इस पर मालूमात जरूर करूंगा। हाँ क्योंकि जो सो काफी दिनों से जो सो मैं था ये लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता, तो अभी आने जाने के आमद रफ्त में अगर बॉम्बे बेंगलोर जाके मैं जो सो करवाऊंगा 25,000 तो वो तो उसी में खर्च हो जाएंगे ना सर। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा किया हमें ये इत्तला दी, हम जरूर इस पर तफसीली मालूमात करके फिर से हमारे प्रोग्राम में प्रेजेंट करेंगे जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी, हमें बिल्कुल अहदेदारों से आरबीआई के जिम्मेदार अहदेदारों से हम बात करेंगे और जरूर इत्तला कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ कलीम साहब टोली जोगी से। हैदराबाद के आरबीआई में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इनकी शिकायत है, जबकि दूसरे आरबीआई में एक्सेप्ट किया जा रहा है। जरूर हम इस पर मालूमात करके हमारे प्रोग्राम के जरिए आवाम को बताएंगे। हेलो, वालेकुम सलाम, मुस्तफा फसलान सर। जी जी अरे नहीं, ऐसी गलती मत करो, ऐसी गलती मत करो। नहीं आप सुनिए, मैं बोला शायद ताकत दिया दुश्मनों का मुकाबला कर सकते, मैं व्हाट्सएप कर लिखा ली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल चलिए कोई बात नहीं, मुस्तफा साहब अल्लाह हिफाजत करने वाला है, अब हम सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे ही हमारा जो असली पेशा है जिसे जर्नलिज्म कहा जाता है वो काम कर रहे हैं अब इसी। वैसे तो किसी को तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, सुधार आना चाहिए, अगर किसी को तकलीफ हुई है तो उनका अपना माइंड सेट है। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका जी आपका टीवी का ऑडियो बहुत है, म्यूट कर दीजिए जी। मैं फसलान सर से बात कर रही। जी आप अपना टीवी का ऑडियो पहले म्यूट कर दीजिए फिर बात हो पाएगी। जी बोले जी जी बोलिए। जो आप अभी बिजनेसमैन का बताए थे ना घर के लिए, हाँ जो घर दिए है लड़की की शादी जी, तो वो तो बहुत अच्छा है, उसके लिए मुबारकबाद। और आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, थैंक यू है जी। और कई लोगों को आपसे बहुत ज्यादा मदद मिल रही और हेल्प हो रही, अल्हम्दुलिल्लाह करी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र जी। मेरा भी वो क्या बोलते हैं ऐसे ही कुछ मसला है घर के लिए, मैं काफी दिन से घर में रह रही हूँ जी, तो हमारे पास भी है काफी रिश्तेदार में घर, लेकिन हक बनता लेकिन डेरे नहीं हमारे जी, तो हमारा हिस्सा हमारा हक हमको नहीं दे। मैं वकील के पास भी गई, नोटिस भी भेजाई, तो मस्जिद में भी कमेटी वालों को लेटर लिख के दी, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा। कानून का सहारा लीजिए जी, नोटिस भी भेजाई और मस्जिद में भी कमेटी में लिख के दी, तो ये रुबीना आयशा रुबीना मैडम के पास दो तीन बार गई लेकिन उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, कमेटी हाल में रहते बोले लेकिन दो तीन बार भी गए तो मुलाकात ही नहीं हुई, आज तक नहीं हुई मुलाकात। बिजी है शायद मैडम, कारपोरेटर है, काम है, काम करा रहे हैं, शायद बहुत से बिजी है जी। आयशा मैडम भी नहीं मिल, माजी साहब एक्स मेयर उन्हें भी नहीं मिलते, अरे रे रे अभी तक सीट पे है वक्त भी, अभी भी नहीं हुई उनसे मुलाकात। अरे रे, दारू सलाम जाके मिलना था, दारू सलाम में रहते हो जी? नहीं मैं उनके पड़ोस में रहती, मैं उनके पड़ोस। अच्छा पड़ोस में ही नहीं मिल रहे हैं बेचारे, ठीक है। तो आप एक काम करिए, हमसे जो आपको मशवरा दे सकते हैं वैलिड कानून के दायरे में रहते हुए जरूर देंगे, लेकिन लाइव में देना मुनासिब नहीं है,
आपका अपना पर्सनल मामला है ये, तो कभी आप हमारे ऑफिस चले आइए तो हम कोई अच्छा सही रास्ता कानून के दायरे में रहते हुए आपको बताएंगे, शायद हो सकता है उससे मदद मिल जाएगी आपको। जी जरूर है। हेलो हेलो हेलो, अमेजोन का जो हरकत हो रही है उसे हम रिपीट करना चाहेंगे प्रोग्राम के एंडिंग में, क्योंकि ये हमारे मुल्क का सवाल है, हमारे मुल्क की शान इज्जत जो है, हमारा नेशनल फ्लैग, उसे डोर मैट बनाकर कनाडा और दूसरे मुल्कों में अमेजोन बेच रहा है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम कुरैशी भाई। वालेकुम सलाम भाई, मैं बाबा नगर से बशीर बात कर रहा हूँ भाई। बशीर साहब बाबा नगर से जी, लड़के का बर्थ सर्टिफिकेट है भाई, मगर उसमें क्या है वो दो दो नाम रखने से जो है नाम बोल के रख दिए, पुकारना शुरू कर दिया हम, बर्थ सर्टिफिकेट में बशीर आ गया तो हमारे को बोल के बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसका तरीका क्या है, तरकीब क्या है, जरा बताइए प्लीज। मुझे पर्टिकुलरली आइडिया नहीं है, लेकिन इसका जवाब आपको बाबा नगर में अगर आप हैं तो बाजू में रियासत नगर है, इमरान साहब अवामी आदमी, वो हमारे रेगुलर कॉलर, हमारे चाहने वाले हैं, ऐसे सवाल के जवाब वो देते हैं और सही रास्ता बताते हैं। अगर वो सुनते हैं तो बताए तो अच्छा था, क्योंकि मैं म्युनिसिपल ऑफिस से गया हूं। जी हां जी हां जरूर, वो वहां पर भी गया हूं, पूरा क्लियर करा। एक काम करिए, एक काम करिए, अगर वो सुन रहे हैं तो जवाब बराबर दे देंगे, अगर प्रोग्राम खत्म होने से पहले आ गया ठीक है, नहीं आया तो आप जरूर तकलीफ करिए, रियासत नगर चले जाइए, वो कोई होटल बता रहे थे वहां पे, अवामी आदमी इमरान अवामी आदमी किसी को भी पूछ लीजिए आप, वो पता मिल जाएगा आपको, अगर वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अगर देखेंगे तो अभी फोन करके जवाब दे देंगे, बेफिक्र रहिए। हेलो वालेकुम सलाम जनाब जी, बासित साहब नाम पल्ली जी बोलिए। बिल्कुल सही वर्मा, काबिले मुबारकबाद है साहब। कौन साहब? जो अकबर असदुद्दीन साहब जो पर्दे के ताल्लुक से बोले हैं। बिल्कुल जी, और जो काबिले वो शायर साहब कैसर साहब जो इतने अच्छे ख्याल बोले हैं। अच्छा आशार जो बोले हैं खैसर साहब हेरागढ़े से। हाँ आशार जो बोले हैं बहुत अच्छे बोले हैं साहब, काबिले मुबारकबाद। बिल्कुल, मगर एक अफसोस की बात ये है जी, कल मैं आज भी देखा हूँ कल भी देखा था नेशनल डिबेट में असदुद्दीन अवैसी एक बीजेपी के एंकर का जवाब नहीं दे सके। बीजेपी के एंकर का, बीजेपी गेस्ट का? बीजेपी गेस्ट का, संदीप पात्रा की बात कर रहे हैं आप? ये बहुत तकलीफ हुई हमको सुन के। संदीप पात्रा की बात कर रहे हैं? हाँ, बात का जवाब नहीं दे सके, बहुत तकलीफ हुई। नहीं शायद इसमें भी कोई मकसद होगा या किसमें भी कोई हिडन मकसद होगा, उसलिए ना पॉलिटिकल मसलियत क्या है नहीं मालूम। नहीं नहीं जवाब, नहीं नहीं जवाब अगर देंगे तो उससे शायद आवाम को, नहीं नहीं जवाब अगर देते तो शायद आवाम को नुकसान हो सकता था, शायद कौम को कोई प्रॉब्लम हो सकता था, वो नजरिए से नहीं दिए होंगे, हो सकता है, मेरा बोलने का मकसद वो है। मैं एक बात बोल रहा था, वो बात कोई पॉलिटिकल मसले की नहीं थी, सवाल किया था संजील पात्रा, ये एक बड़े ने आपको बता के बताया ऐसे बूटे आप वोट बैंक इसका मैं तौर पर इस्तेमाल करते, आप क्या करे आपके एरिया में 25,000 मुसलमानों को हो रहे, कितने मुसलमानों को तो कौन को। जी हाँ वो प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ, आज तक चैनल का टक्कर ऐसा कुछ प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम मैं भी देखा हूँ, एक्चुअली संदीप पात्रा थे उसमें बीजेपी के और असदुद्दीन अवैसी साहब थे, मैंने भी वो सवाल सुने, लेकिन ऐसा होता है बाज़ुखत जो एक सीनियर काबिल पॉलिटिशियन जो होते हैं नेशनल लेवल में, शायद तो कुछ जवाब आप नहीं देते हैं जिससे कि अपने कौम को या अपने वोटर्स को या किसी को सोसाइटी को नुकसान हो, इसीलिए जवाब नहीं देके खामोश होते, हर पॉलिटिशियन की आदत होती है, असद साहब की ही नहीं बीजेपी में भी होती है, कांग्रेस वालों में भी होती है, चंद जवाब आप नहीं देते। हेलो बासित साहब आपका कॉल शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। हेलो
हेलो इमरान रियासत नगर साहब। अरे वाह इमरान साहब, थोड़ा जवाब दे दीजिए बाबा नगर वालों का। पहली बात तो साहब पासपोर्ट बनाने, अभी पासपोर्ट बनाने वालों को की जरूरत नहीं है, कोई भी रहो जी। जिसका 80 के बाद 90 के बाद जो जो भी पैदा हुए उनको भट्टा डिग्री होना था पास। आप पासपोर्ट के लिए भट्टा डिग्री की जरूरत नहीं है नया बनाने, सिर्फ आधार की जरूरत है। आप दूसरी बात, इनका नाम गलत है बोले साहब, डॉक्टरों में नाम सही है तो एक अप्लीकेशन फॉर्म मिलता, हाँ वो भर के डाल देना तो पुराना रिकॉर्ड निकल के सही नाम डाल के देते। किसमें फॉर्म मिलता? डॉक्टर में जो नाम सही लिखा है, गलत हो गया बोले ना भट्टा जी, नाम गलत हो गया। डॉक्टर में सही नाम लिखे तो वहाँ रिकॉर्ड में सही नाम रहता, वो सही है। अच्छा मेरे बच्चे का भी गलत हो गया था, मैं फॉर्म भर के डाला आ गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब, जवाब मिल गया है बाबा नगर वाले साहब का। दवाखाने में फॉर्म मिलता है, फॉर्म भर के डाल दीजिए आ जाएगा सिंपल। अगर आपको फिर भी तकलीफ हो रही है तो इमरान साहब से मुलाकात कर लीजिए। इमरान साहब का लास्ट कॉल था क्योंकि हम रिपीट करना चाह रहे हैं अमेजॉन की जो हरकत की गई है हमारे मुल्क के साथ, उस हरकत का हिंदुस्तानी तमाम मिलकर एकजुट होकर जवाब देना चाहिए, क्योंकि नेशनल फ्लैग हमारे मुल्क का फ्लैग, हमारी इज्जत होती है, शान होती है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं। और ऐसे फ्लैग को अमेजॉन की जानिब से कनाडा में डोरमैट्स बनाकर बेचा जा रहा है, ये बात देख लीजिए। और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।